हरियाणा रोडवेज के चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज हरियाणा रोडवेज अम्बाला डिपो को 3 नई टाटा की BS6 बसें दे दी गई हैं। अम्बाला डिपो को मिली इन 3 नई बसों का डिज़ाइन पहली वाली बसों से अलग है। इन बसों का डिज़ाइन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हरियाणा रोडवेज पंचकूला डिपो को जो नई BS6 बस मिली है उसी के जैसा इन बसों का डिज़ाइन है। आज फिलहाल हरियाणा रोडवेज अम्बाला डिपो की ये नई बसें अम्बाला वर्कशॉप में हैं। इन 3 बसों में से एक बस को उत्तर प्रदेश के लखनऊ, दूसरी बस को हिमाचल के कुल्लू और तीसरी बस को हिमाचल के ऊना वाले रूट पर जल्द उतारा जाएगा। टाटा की नई बसों में 52 की बजाय 56 सीटें होंगी और इसी के साथ इन बसों की लंबाई भी पहले वाली बसों से ज़्यादा होगी। सीटें बढ़ने से यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। हरियाणा रोडवेज सोनीपत डिपो के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आने वाले दिनों में सोनीपत डिपो को 3 नई टाटा की बसें मिलने वाली हैं। इनका काम अभी फ़िलहाल HRAC गुड़गांव में अंतिम चरण में है। इसके अलावा पानीपत, गुड़गांव, भिवानी, दादरी, रोहतक और पंचकूला डिपो की बसें भी बनकर लगभग तैयार हैं और इन्हें आने वाले दिनों में डिपो में भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार अब जल्द ही हरियाणा में इलेक्ट्रिक बसें भी लेके आने वाली है। हालांकि अभी तक सुनने में ये आया है कि ये इलेक्ट्रिक बसें किलोमीटर स्कीम की बसों के जैसी ही होंगी। इनका संचालन नगर निगम की ओर से किया जाएगा और हो सकता है कि इसमें जो स्टाफ हो वो प्राइवेट कंपनी का हो। आपका इस बारे में क्या मानना है कि हरियाणा रोडवेज में इलेक्ट्रिक बसें प्राइवेट आनी चाहिए या फिर सरकारी हों, तो इसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं और अपनी महत्वपूर्ण राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा रोडवेज से जुड़े सभी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।